हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सफदर हयात मैथमेटिक्स के लिए। देखिए, सेट थ्योरी चल रहा है और सेट थ्योरी का ये थर्ड लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट थ्योरी। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं, देखिए ऑपरेशंस है ना। तो ऑपरेशंस में कितने टाइप के ऑपरेशन करेंगे हम लोग। फर्स्ट हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ द सेट्स। सेकंड पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। थर्ड पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स। फोर पढ़ेंगे डिफरेंस। ओके, तो आज हम ये ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। तो इसमें फर्स्ट आता है यूनियन, लेकिन उससे पहले हम लोग एक छोटी सी बात और पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, आप कह सकते हैं कि पापा ऑफ ऑल सेट्स, यानी सारे सेट्स के पापा। मतलब कोई ऐसा सेट जो सारे के सारे सेट उसके सबसेट हों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, चलिए 6 भी ले लेते हैं, ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है। तो सेट ए अगर हम लेंगे तो 1, 2, 3, एंड बी सेट हमने लिया 2 एंड 4। तो देखिए, ये दोनों के दोनों सेट्स इस सेट में मौजूद हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें यूनियन फाइंड करना हो, यूनियन क्या होता है, देखिए सबसे पहले नंबर पे फर्स्ट हम यूनियन पढ़ते हैं। तो यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा चौड़ा सा यू होता है ये यूनियन। मीन्स ए यूनियन बी। हाउ टू फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स हम ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स यहां पे रखेंगे, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब क्या आ जाएगा, ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स आएंगे। मीन्स 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा एंड यहां से 2 आएगा, बट 2 आ चुका है इसलिए नहीं आएगा, एंड 4 आएगा। तो यूनियन में हम दोनों सेट्स का यूनियन करते हैं, यानी उन्हें जोड़ते हैं, मिलाते हैं। दोनों के सेट के एलिमेंट आएंगे बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर सपोज कीजिए कोई एलिमेंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी में है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी देन एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहां पे वर्ड यूज होगा और, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन्स एक्स ए में है या एक्स बी में है, तभी भी वो उसके यूनियन में होगा, ये कहते हैं यूनियन। इसके लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है, एटलीस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सेट ए है जिसमें प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स जो प्ले करते हैं प्ले क्रिकेट, और कोई सेट बी है सपोज कीजिए, उसमें भी प्लेयर्स हैं और प्ले फुटबॉल। तो अगर हम ए यूनियन बी करें तो ये उन प्लेयर्स का सेट आएगा जो इनमें कम से कम एक खेल जरूर खेलते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ फुटबॉल और क्रिकेट। तो उन प्लेयर्स का सेट होगा ए यूनियन बी, जिसमें या तो क्रिकेट खेलने वाले होंगे या फुटबॉल खेलने वाले होंगे, यानी कम से कम एक खेल खेलने वाले जरूर होंगे। सिमिलरली अगर हम इंटरसेक्शन के बारे में बात करते हैं, देखिए देखिए अगर हम इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन समझते हैं। ए, उसका इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। हम क्या कर रहे हैं, पहले एग्जांपल हमने ले लिया पहले ही, और हम इसके थ्रू इन सबको फाइंड करके देखते हैं, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी जो दोनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो, ऐसे एलिमेंट्स जो कॉमन हो ए में भी हो और बी में भी हो। तो इसमें इन दोनों में कॉमन सिर्फ 2 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में है। इसका मतलब आप यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे, इफ एक्स कोई एलिमेंट्स है जो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से, तो इसका क्या मीनिंग होगा,
ये इंप्लाई किसको करेगा, इसका मतलब ये हो गया x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, यानी x a में भी होना चाहिए, एंड यहां पे वर्ड यूज आया होगा एंड, यहां पे और यूज नहीं होगा, एंड x बिलोंग्स टू b, यानी x एलिमेंट a में भी होना चाहिए और x एलिमेंट b में भी होना चाहिए, तो वो उनके इंटरसेक्शन में होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए कोई सेट है जिसमें क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स हैं, बी कोई सेट है जिसमें फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, दोनों के दोनों, बोथ, इसमें बोथ वर्ड है ना, तो इसके लिए एंड वर्ड यूज होता है, एंड, जैसे उसमें एटलीस्ट हो रहा था, इसमें एंड यूज होगा, यानी ये भी हो और ये भी हो, ए में भी है टू और बी में भी है टू, तो वो इंटरसेक्शन में होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट या डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सॉरी, चलिए ए सेट था, ए सेट क्या था, देखिए ए सेट था 1, 2, 3 और बी सेट क्या था 2, 4 या जो भी था, छोड़िए, देखिए हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट को ए डैश या ए सी, ऊपर सी लगा देते हैं ये कॉम्प्लीमेंट, और कुछ लोग ए बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए बार से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, मींस जिसको ए डैश बोलते हैं, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देते हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं ए डैश। क्या मतलब, यू में से ए को माइनस करना, देखिए इंपॉर्टेंट बात है, यू माइनस ए का मतलब होगा हम ए को माइनस कर देंगे, यानी ए का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ए का कोई भी एलिमेंट, ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 है 2 है एंड 3 है, तो जब हम यू में से ए को माइनस करेंगे, ए का बिल्कुल भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, मींस यू के एलिमेंट आएंगे, क्योंकि यू में से माइनस कर रहे हैं हम, तो 1, 2, 3 देखिए नहीं आएगा, आएंगे 4, 5 एंड 6, ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी किसके एलिमेंट आएंगे, इस वाले सेट के एलिमेंट आएंगे जिसमें से माइनस हो रहा है, बट वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो ए में हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ए क्रिकेट खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं उनका सेट है और बी फुटबॉल खेलने वाले प्लेयर्स का सेट है, तो ए माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल बिल्कुल नहीं खेलते, फुटबॉल वाले डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, यानी सिर्फ ओनली क्रिकेट, तो ओनली क्रिकेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस बी को, मतलब ए माइनस बी उनको रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो यू माइनस ए, ए डैश का मतलब ये है यू माइनस ए, सिमिलरली अगर मैं बी डैश फाइंड करना चाहता तो बी डैश क्या हो जाता, बी डैश हो जाता यूनिवर्सल माइनस बी, तो यूनिवर्सल बी माइनस बी का मतलब क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल है 1 से लेकर 6 तक और बी सेट है 2 एंड 4 सिर्फ, तो 2 और 4 एलिमेंट नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये माइनस हो चुका है यू में से, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा 5 एंड 6, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट। तो डिफरेंस भी इसी में आ गया, डिफरेंस भी आप लोग समझ सकते हैं, डिफरेंस किस तरह करते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमें ए माइनस बी फाइंड करना है, तो उसका मीनिंग क्या आ जाएगा, उसका मीनिंग हो जाएगा इसमें सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट बिल्कुल नहीं आएंगे, यानी ना 2 आ सकता ना 4 आ सकता, तो 1 और 3 आएंगे सिर्फ, 1 और 3। सिमिलरली अगर हम बी माइनस ए करते हैं तो क्या आता, तो b माइनस ए करते हुए ना 1 आएगा ना 2 आएगा ना 3 आएगा बिल्कुल भी, सिर्फ b के एलिमेंट, तो सिर्फ एक एलिमेंट बचा, 4 एलिमेंट आएगा। तो ये बहुत सिंपल ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस। यूनियन का मतलब दोनों को मिलाकर, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, या मतलब इसमें भी हो का मतलब, यानी हम सारे के सारे मिलाकर रखेंगे उसमें, चाहे वो ए में है चाहे वो बी में है और चाहे दोनों में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम उनके सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता सेट में। इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेंगे जो इसमें भी है और इसमें भी है, और कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। अब देखिए यूनिवर्सल सेट वो गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन में, और अगर गिवन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सेट है, देखिए कोई सेट है, सपोज कीजिए वी, वी मतलब वोवेल्स का सेट है, वी देखिए ये वी सेट है, यानी इसमें वोवेल्स हैं सब, तो इसका मतलब वी डैश क्या होगा, देखिए समझने वाली बात है, यहां उसने यूनिवर्सल सेट नहीं दिया, बट ये अंडरस्टूड है, हमें सोचना पड़ेगा कि भाई अगर उसने वोवेल्स का सेट है वी, तो वी डैश का मतलब ये होगा उसमें वोवेल्स नहीं आएंगे, यूनिवर्सल में से वी को माइनस करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सल यहां पर क्या काम करेगा, इसका मतलब यूनिवर्सल जो है ना,
ऑल अल्फाबेट होंगे जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो सारे 26 को रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल। तो इसका मतलब V का डैश क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा B। क्यों? क्योंकि वोवल्स में आएंगे A, E, I, O एंड U। तो V डैश में क्या आएंगे, B आएगा, C आएगा, D आएगा, E नहीं आएगा क्योंकि देखिए E माइनस हो गया, F आएगा, G आएगा, H आएगा और I नहीं आएगा, सिमिलरली J आएगा एंड सो ऑन, ऐसे करके Z तक आएंगे और इसमें O और U नहीं आएंगे। तो हमने क्या किया, वोवल्स को हमने माइनस कर दिया। तो यह था हमारा कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इन चीजों को हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम से भी देखते हैं। देखिए वेन डायग्राम बहुत ही अच्छा टूल है इनको समझने के लिए। वेन डायग्राम हम कैसे यूज करते हैं, देखिए वेन डायग्राम। फॉर एग्जांपल ए सेट है एंड बी सेट है, अगर हमें इनका यूनियन फाइंड करना हो कि भाई इनका यूनियन क्या है, देखिए ए यूनियन बी किस तरह रिप्रेजेंट होगा। सपोज कीजिए ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है, यानी ये वो सेट है जिसके अंदर ए भी है और बी भी है। तो देखिए ए सेट ये हो सकता है, सिमिलरली बी सेट ये हो सकता है। ओके, ये सेट क्या है, ये ए है और ये बी है। तो अगर हमें फाइंड करना है इनका यूनियन, तो यूनियन का मतलब होता है मिल जाना, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट्स, मींस ये चीज रिप्रेजेंट करेगा, ये सब रिप्रेजेंट होगा ए यूनियन बी से। देखिए ये ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली देखिए अगर हमें फाइंड करना हो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ओके, ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन हमने अभी क्या पढ़ा, इंटरसेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है जो कॉमन पोर्शन होता है। तो कॉमन पोर्शन तो ये है, तो ये क्या आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, ये यूनियन हो जाएगा। अगर हमें ए डैश देखना हो कि वेन डायग्राम में ए डैश कैसा दिखता है, तो देखिए वेन डायग्राम में ए डैश कैसा दिखेगा, ए डैश, ए डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से हम ए को माइनस कर देंगे। तो देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिए इसमें सिर्फ एक ही सेट है ए। ओके, ये यूनिवर्सल सेट होता है, ये पूरा का पूरा सेट क्या है, यूनिवर्सल, यानी ये पूरा का पूरा है यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है। ओके, अब हमें देखना है कि U माइनस ए, यानी हम A के एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं लेंगे, मतलब U के एलिमेंट लेंगे, तो क्या लेंगे, तो ये आ जाएगा, देखिए ये क्या आ जाएगा, ये A डैश रिप्रेजेंट होगा। ओके, सिमिलरली अगर हम ये देखना चाहें कि भाई A इंटरसेक्शन B का डैश क्या होगा, या A यूनियन B का होल डैश क्या होगा, A यूनियन B का होल डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखिए वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये A है और ये B है। तो सपोज कीजिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये A सेट है और ये B सेट है, और सपोज कीजिए हमें क्या करना है, A यूनियन B का डैश। तो देखिए A यूनियन B का डैश, A यूनियन B तो ये सारा आ जाएगा, बट हमें इसे माइनस करना है, हमें क्या करना है, U माइनस A यूनियन B। तो सबका सब A यूनियन B क्या रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे सिर्फ U के एलिमेंट लिखेंगे, इसका मतलब A यूनियन B तो ये होता है, तो अब ये एलिमेंट नहीं आएंगे बल्कि ये एलिमेंट आएंगे जहां पे ये येलो कलर हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो यूनियन था ये तो हमने माइनस कर दिया, ये तो आएगा ही नहीं, आने वाला जो हमारा रीजन है ना, सारे के सारे जो फिगर्स हमने बनाए हैं उनमें पीला वाला जो हमारा रीजन है ये है जो हम ले रहे हैं, यानी जो हमें फाइंड करना है, तो ये होगा। बाय चांस देखिए कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में वो एक रीजन बनाकर दे देगा और कहेगा ये शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश, बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है, ऐसे वो आपको दे सकता है। ये क्वेश्चन बेसिक भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, तो इन पे क्वेश्चन बनता रहता है। सिमिलरली अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना होता, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश फाइंड करना होता, तो आप समझ रहे होंगे कि हम कैसे फाइंड करते, भाई ये ए हो जाता, ये बी हो जाता, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये होगा, ये नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा, देखिए बाकी सब आ जाएगा ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी नहीं आएगा, तो फिर ये हो जाता वो। तो ऐसे करके हम वेन डायग्राम से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये एक बहुत अच्छा टूल है। अब देखिए
नेक्स्ट यहां पे कुछ रिजल्ट्स आते हैं इंपॉर्टेंट, देखिए रिजल्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वाला रिजल्ट मैं लिख रहा हूं, इफ ए सबसेट बी, अगर ए बी का सबसेट है तब देखिए इसका भी फर्स्ट पार्ट, तो ए यूनियन बी क्या होगा। देखिए आप लोगों को प्रीवियस रिजल्ट सब याद होने चाहिए जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, जैसे सबसेट पढ़ाया है और प्रॉपर पावर सेट पढ़ाया है, प्रॉपर सबसेट या एम्प्टी सेट या सिंगलटन सेट जो भी हमने पढ़ाया है अब तक, वो सब हमें अच्छे से याद होना चाहिए, तब आने वाली सारी की सारी लिंकअप है ना। ये सब का सब देखिए अब यहाँ पे यूज हो रहा है, फिर ये रिलेशन में यूज होगा, फंक्शन में यूज होगा, तो इसी तरीके से सब का सब लिंकअप है। तो पहले वाले हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और वो सब हमें पता होना चाहिए, तब हमें ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर पहले वाला ही हम नहीं पढ़ रहे हैं तो ये वाला समझ में नहीं आएगा, ए यूनियन बी क्या होगा और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब देखिए सपोज करो ए बी में है, ए बी में है तो इन दोनों का यूनियन तो भाई बी ही आ जाएगा, इन दोनों का देखिए खुद सोचिए, सपोज कीजिए ये क्या है सेट, ये बी है और हमने कहा कि ए सेट बी में है, तो देखिए ए बी में है, ये ए आ गया जो कि बी के ही अंदर है, तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन फाइंड करूंगा तो भाई यूनियन तो दोनों को मिलाकर होता है, तो ये सारा यूनियन हो गया देखिए सारा। तो अगर आप देखें ये ग्रीन कलर कहां हुआ है, अरे भाई बी ही तो पूरा का पूरा कर रहा है ये, तो बी ही हो जाएगा बस ये। सिमिलरली अगर सपोज कीजिए ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड कर, बहुत अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर बेस क्वेश्चन देखिए अभी हम करेंगे, बहुत अच्छा आया हुआ क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में। ये कैसे है सपोज कीजिए ये बी था हमारा, देखिए कंडीशन वही है अभी भी, ए बी में है और ये क्या है ये ए है, अब हमें क्या फाइंड करना है इनका इंटरसेक्शन। देखिए हमें इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन पार्ट को, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो देखिए ये पार्ट है, हमने इसे ए में लिया बट ये ऑलरेडी बी में है, तो ये यानी ए आ गया, इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया ए आ गया, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। सिमिलरली देखिए सेकेंड रिजल्ट हम क्या पढ़ते हैं, ए का यूनियन ए डैश के साथ, ए का यूनियन ए डैश के साथ क्या होगा, तो भाई ये तो यूनिवर्सली आ जाएगा, क्यों आ जाएगा खुद सोचिए, अगर सपोज कीजिए ये हमारा वेन, अच्छा हम जो इनको दिखा रहे हैं ना आपको वेन डायग्राम के जरिए से दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत कम टाइम में हो जाता है। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप ये चाहते हैं कि हम वेन डायग्राम से ना करें क्वेश्चन को, तो आप नॉर्मली जल्दी जल्दी लेके भी कर सकते हैं, जैसे देखिए हमने ए, ए आप ले ले कोई सेट ले लीजिए आप 1, 2 ले लीजिए, और बी कोई सेट ले लीजिए 1, 2, 3 ऐसे ले लीजिए, अब आप क्लियर दिख रहा है कि भाई ए बी का सबसेट है, तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं इनका, मैं आपको कहूं कि फाइंड ए यूनियन बी, देन ए यूनियन बी विल बी, यानी दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे बट रिपीट नहीं होंगे, 1 और 1 इसमें भी है तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा एंड 3 भी आ जाएगा, 3 कहां से आएगा बी से आएगा जो ए में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं हम दोनों के एलिमेंट्स लिखते हैं, तो देखे 1, 2, 3 आ गया और 1, 2, 3 तो खुद बी है, तो देखो आ गया ना बी ही, तो ये बी आ गया। तो हम इनको ऐसे एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को अगर आप, तो हम रिजल्ट आपको लिखा रहे थे ए ए यूनियन ए डैश, तो ए यूनियन ए डैश अगर आप देखें तो भाई देखें ए डैश क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया था ये अगर ए है और मुझे ए डैश फाइंड करना हो तो यू माइनस ए कर देंगे, यानी ये वाला पोर्शन आ जाएगा सब, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये ए डैश रिप्रेजेंट करेगा, बट हमें चाहिए ए डैश का यूनियन यानी ए डैश को मिलाकर ए के साथ, तो ए के साथ ये पूरा का पूरा ही आ गया फिर, तो इसका मतलब अगर ये ए के साथ मिल गया तो यानी यूनिवर्सल आ गया, तो देखिए ये रिजल्ट आ गया आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेकंड रिजल्ट है। ओके फर्स्ट रिजल्ट मैंने आपको पहले लिखाया, सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैंने ये लिखाया। अच्छा अगर हमें ये फाइंड करना हो इसका सेकंड पार्ट ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ, अब देखिए ए का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ क्या हो जाएगा, ये तो ए है ठीक है और ये आपका ए डैश हो जाएगा, आप जानते हैं ए डैश का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश, तो हमें इसका इंटरसेक्शन यानी ए डैश का ए के साथ चाहिए, अरे भाई इसके अंदर तो कुछ कॉमन है ही नहीं, अगर आप देखें ए तो ए में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ए में तो कोई हमने ऐसे शेड किया नहीं है और ए डैश में ये शेड ए डैश ये है, तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये फाई आ गया एम्प्टी सेट, ये फाई रिप्रेजेंट करेगा यानी कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, सिमिलरली देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट थर्ड, अगर हम ए का डैश करते हैं यानी कॉम्प्लीमेंट करते हैं और अगेन कॉम्प्लीमेंट तो वही आ जाएगा, ये भी ऑब्वियस सा रिजल्ट है, अगर हम किसी चीज को उल्टा कर दें
फिर उसको एक बार और उल्टा कर दें तो सीधा ही हो जाएगा। अगर ये सीधा है पेन और हम इसे उल्टा करते हैं, फिर एक बार और उल्टा कर देते हैं तो सीधा हो गया। सिमिलरली ए का डैश करते हैं तो वो एलिमेंट आ जाएंगे जो ए में नहीं है, फिर उसका डैश करते हैं, इस बार वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो मतलब ए ही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखिए फाई का डैश क्या होगा, यूनिवर्सल होगा, एंड यूनिवर्सल का डैश फाई होगा। ये आप समझ सकते हैं, यानी यूनिवर्सल का डैश का क्या मतलब हो गया, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस कर दो, क्योंकि डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हम उसे यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सल में का डैश करेंगे मींस यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब सेट थ्योरी में जीरो नहीं होता, आंसर फाई होता है ना, एम्प्टी सेट होता है, तो यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल फाई बन गया। सिमिलरली फाई का डैश यानी यूनिवर्सल में से हम फाई को माइनस करेंगे, फाई का मतलब नथिंग, कुछ नहीं, जब हमने यूनिवर्सल में से कुछ भी माइनस नहीं किया तो यूनिवर्सल ही तो बचा, तो फिर यूनिवर्सल बच गया। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं तो जिसको हमें याद रखना चाहिए कि हाँ इनकी वैल्यू क्या होती है। देखिए एक इसमें इंपॉर्टेंट फोर्थ रिजल्ट और है जिसको डिमॉर्गन्स अंकल ने दिया था, बहुत अच्छा है, डिमॉर्गन्स लॉ, ये भी यूज होता है, डी मॉर्गन्स, डिमॉर्गन्स लॉ। तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट इन्होंने अंकल ने दो रिजल्ट दिए। फर्स्ट रिजल्ट देखिए क्या है, अगर हम ए का यूनियन बी के साथ करें और उसका होल डैश कर दें तो वो क्या आएगा, वो आएगा ए का डैश और यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में बी का डैश। बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्या मतलब, इसको हम दूसरे तरीके से अगर आप डैश की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब डैश अगर आप इसमें बार बनाना चाहते हैं, सॉरी ए यूनियन बी का बार, देखिए बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को, तो क्या आ जाएगा ए बार यूनियन, सॉरी यूनियन नहीं आएगा, इंटरसेक्शन आएगा, है ना, तो इंटरसेक्शन बी बार, चाहे आप बार से रिप्रेजेंट कर लीजिए, चाहे सी लगा दीजिए, चाहे डैश लगा दीजिए, ओके ऐसे करेंगे। सेकेंड रिजल्ट क्या था, सेकेंड रिजल्ट है अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश करते हैं, यानी दो सेट हैं उनका इंटरसेक्शन किया फिर उसको का कॉम्प्लीमेंट किया यानी यू में से माइनस किया, तो वो किसके बराबर आएगा, ए डैश, इस बार इंटरसेक्शन था तो यू में कन्वर्ट हो जाएगा यानी यूनियन में, और बी डैश, यानी यहां पे होल का कॉम्प्लीमेंट है, यहां पे अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों के दोनों रिजल्ट हैं जो वेल प्रूव्ड हैं, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। और कैसे प्रूव कर सकते हैं, वही आप ए और बी दो सेट ले लीजिए, पहले यूनिवर्सल एक सेट ले लीजिए जिसमें क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे 1 से लेकर 6 तक या 10 तक आप एलिमेंट ले लीजिए, फिर ए में कोई एलिमेंट ले लीजिए, यू में से ही एलिमेंट लेने हैं ए के, फिर बी में भी यू में से ही एलिमेंट ले लीजिए, कुछ हल्के फुल्के कॉमन भी ले लीजिए 1-2 एलिमेंट, और फिर आप इन दोनों LHS को प्रूव कीजिए और RHS को, दोनों के दोनों आपस में बराबर आएंगे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपके ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो ये 4 रिजल्ट हो गए हैं, फिफ्थ देखिए, हाँ देखिए फिफ्थ रिजल्ट क्या होता है, अगर हम सपोज कीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी में देखना चाहें कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी में देखना चाहें कितने होते हैं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए में से हम माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हम माइनस कर देंगे, या एक काम और कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में से हम बी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे टोटल में से। देखिए ये आप समझ भी रहे होंगे, सपोज कीजिए हम ए माइनस बी को देखते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम में, तो वेन डायग्राम में ए माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान दीजिए देखिए ये ए सेट है ये बी सेट है, ओके ए सेट और बी सेट और ये यूनिवर्सल सेट। अब देखिए कौन सा कलर नहीं लिया, चलिए ये लेते हैं, देखिए तो ए माइनस बी का क्या मतलब आएगा, ए के एलिमेंट आएंगे बी के एलिमेंट बिल्कुल नहीं आएंगे, ध्यान रखना ए माइनस बी, सपोज कीजिए कोई एक्स ए माइनस बी में है तो एक्स बिलोंग्स टू ए होगा एंड उसके साथ साथ एक्स बिल्कुल भी बी से बिलोंग नहीं करेगा, वो एलिमेंट बी में नहीं होगा, ठीक है ए में होगा बी में बिल्कुल नहीं होगा। अब सुनिए तो जब ए बी हमें बिल्कुल माइनस कर देना है यानी ये वाला हमारा पोर्शन बिल्कुल नहीं आएगा तो इसका मतलब ये पोर्शन आएगा, तो ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन है ए माइनस बी, ये ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान दीजिए क्या ये दोनों रिजल्ट हमने ठीक लिखे हैं, देखिए ठीक लिखे हैं क्या,
एन ए, ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया, तो देखिए ए में से इंटरसेक्शन को, देखिए इंटरसेक्शन ये था, इसको माइनस कर दिया, बिल्कुल सही है भाई, ए पार्ट में से और इसके इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन वाला पार्ट तो ये है ना, देखिए कॉमन वाला पार्ट ये है, ये कॉमन वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमें ए माइनस बी चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, तो ए में से हमने ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिया, पीला वाला आ गया ए माइनस बी। सिमिलरली दूसरे तरीके से देख सकते हैं, ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब ये सारा, इस सब में से देखिए ये ए है और ये बी है, तो ये सारा का सारा क्या आ जाएगा, यूनियन, बट हमें बी को माइनस कर देना है, यानी बी को नहीं लेना, तो सिर्फ यही तो बचेगा फिर, तो इसका मतलब यही तो ए माइनस बी बचा, तो ऐसे भी हम इसे यानी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ ये क्या रिजल्ट, ठीक है। तो ये कोई भी आपके यहां एग्जाम में कोई भी फिगर बना के दे सकता है आपको, और फिर आपसे पूछेगा कि ये शेडिड रीजन यानी कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है इस शेडिड रीजन को। देखिए एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम आज पढ़ते हैं, जो जिसका बहुत ज्यादा यूज है एप्लीकेशंस में, क्योंकि आपके यहाँ एप्लीकेशंस हैं और एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन बनते हैं, सेट थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो उसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखे क्या है, वन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत क्वेश्चन इस पे बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये समझिए आप इसी पे बनते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और ए इंटरसेक्शन बी को हमने इसमें से माइनस कर दिया। अब देखिए कैसे ये कैसे रिजल्ट आया, इसको हम डायरेक्ट वेन डायग्राम से समझ सकते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये ए है और ये बी है और ये यूनिवर्सल है। तो अगर हम देखें इसमें कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी तो ये सारा का सारा होगा, देखिए तो ये अगर हम देखा जाए तो ये क्या है, है ना, ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, देखिए कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, एन ए प्लस एन बी, यानी आपने ए को इंक्लूड किया और बी को भी आपने इंक्लूड किया, ए इंक्लूड हुआ बी इंक्लूड हुआ, लेकिन फिर आपने इसको माइनस क्यों किया इंटरसेक्शन वाले को, देखिए वो इसलिए माइनस किया क्योंकि ये दोनों के दोनों बैलेंस है, बराबर हैं, कैसे बराबर हैं, हमने ए को इंक्लूड किया और बी को, जब हमने ए को इंक्लूड किया तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी इंक्लूड हुआ, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ए के अंदर मौजूद है। सिमिलरली जब हमने बी को इंक्लूड किया तभी भी ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पोर्शन है वो इंक्लूड हुआ, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी दो बार इंक्लूड हो गया, जबकि अगर हम इसका पूरे का ए और बी दोनों के दोनों एलिमेंट लिखेंगे, इनका यूनियन लिखेंगे, तो एलिमेंट्स तो हम एक ही बार लिखते हैं ना, रिपीट नहीं करते, इसलिए हमारा जो डबल लिखा गया उसमें से हमने ए को माइनस कर दिया, तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे ए यूनियन बी में, भाई हमें ए यूनियन बी चाहिए, तो ए यूनियन बी होता है ये सब, यानी ए को भी मिलाकर और बी को भी मिलाकर, बट जब हमने ए लिखा तो उसके अंदर इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स भी आ गए, जब हमने बी लिखा तभी भी उसके अंदर इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स आ गए, तो ये दो बार आ गए इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स, तो हमने क्या किया, इनको माइनस कर दिया, एक बार हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये क्या जाएगा ए यूनियन बी। सिमिलरली तीन वाला नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, वो इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन उस पर थोड़े टफ हो जाते हैं।